तो इस उद्देश्य से आज हम बिहार के लोगों को यहाँ इकट्ठा किए थे। जो हमारे कटिहार के लोग हैं उनको पता नहीं कि पश्चिमी चंपारण में भी हमारी बिरादरी के लोग हैं। जो आपके मधेपुरा रहता है उसको इस बात की जानकारी नहीं। जो लोग कैमूर में रहते हैं, गया रहते हैं, नवादा रहते हैं, नालंदा रहते हैं, बेतिया रहते हैं, उन लोगों को पता नहीं। तो हम हर जिले से लोगों को जुटा करके लोगों को बताते हैं कि देखो आपकी इतनी बड़ी आबादी है, आप लोकतंत्र में सिस्टम है लड़ने का, तो उस लोकतंत्र में आप लड़ाई लड़ो। तो लोग तैयारी कर रहे हैं, आज आपके सामने देखने को मिला भी। आपने कहा कि बिहार में जब तक आप 8-10 एमएलए अपनी समाज के नहीं बना देंगे तब तक बिहार आते रहेंगे, तो क्या आगे बिहार को लेकर क्या रणनीति है? देखिए, हर जिले में हर विधानसभा में कार्यक्रम हम लोग चलाते रहेंगे और 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं बिहार में। लड़ेंगे आप? पार्टी लड़ेगी, पार्टी लड़ेगी, निश्चित लड़ेगी और रिजल्ट देंगे। स्थिति यह है कि हमारी गिनती नहीं है, हम वोट देते देते थक गए और हमको हिस्सा नहीं मिला, जिसको लेकर के अब लोगों में गुस्सा है। आपने देखा कि नीतीश जी ने जातिवार जनगणना कराई, जातिवार जनगणना से 36% सर्वाधिक पिछड़ा आया ना, वो कौन लोग हैं? जो उपेक्षित लोग हैं। तो इनको लामबंद करके यही 36% इकट्ठा हो जाए, सरकार बन जाएगी। नीतीश जी ने जो जातीय जनगणना कराया उसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि ये जो डेटा है वो सही नहीं है, आप किस तरीके से देखते हैं डेटा को? जिस तरह उनका सामाजिक न्याय झूठ का पुलिंदा है, उसी तरह का जातिवाद जनगणना भी झूठ का पुलिंदा है। यहाँ आपने देखा कि मैंने हाथ उठवा करके आपको दिखाया कि जातिवार जनगणना के लिए इन लोगों के घरों तक कोई गया नहीं, तो गिनती कैसे कर लिया? और 15 दिन हमने कई अध्यापकों से बात की, अध्यापकों ने कहा कि हम पढ़ाना भी है और गणना भी 15 दिन में देना था, इस नाते हम लोगों ने एक जगह बैठ करके जो बताया उसी को लिख करके हमने डेटा भेज दिया है। ये है इनका जातिवाद जनगणना। मैंने 20 जिले में फोन करके जिला अध्यक्ष, प्रदेश के प्रखंड अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मैंने सबसे पूछा, तो उसमें 95% लोगों ने कहा कि मेरे गांव में तो कोई आया ही नहीं, जातिवाद जनगणना का रिजल्ट कैसे आ गया? तो ये खबरें आई हैं। तमाम मीडिया के लोग भी विभिन्न जनपदों में सर्वे किए, जो हमारे नेताओं ने बताया वही मीडिया का सर्वे आया। इस तरह के मूवमेंट जो है यहाँ पूर्ण रूप से 90% इनके जो जाति और जनगणना है वो गरीबों के लिए 90% धोखा है। इंडिया अलायंस बना है, यूपी बिहार सबसे बड़े दो राज्य हैं, किस तरीके से देखते हैं इंडिया अलायंस का क्या अस्तित्व होगा आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। आपने देखा कि अगर यूपी की, बिहार की ही बात करें हम, यही नीतीश जी और लालू जी दोनों दो धुरी, दोनों अपनी इज्जत मर्यादा बचाने के लिए कि हम जो गमन किए हैं, जो घोटाले किए हैं, इससे बचने के लिए दोनों इकट्ठा हो गए, नहीं तो कोई किसी को देखना चाहता था? आज जितने ईडी सीबीआई से डरने वाले लोग हैं सब इंडिया गठबंधन में हैं। गठबंधन का कुछ होगा? कुछ नहीं, तो रहे कि हम लोग के पास चेहरा जब सरकार में जीत जाएंगे तब चेहरा बताएंगे। वो न नौमन गेहूं हो ही न राधे गौने जइया। 2024 के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? आप एनडीए में शामिल हो गए हैं, कब तक आपको मंत्री बनाया जाएगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, खड़ा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में आपको मंत्री नहीं बनाया गया अभी तक। जल्दी, धैर्य रखिए, जल्दी वो काम होने जा रहा है। तो मंत्री बन रहे हैं आप जल्दी? उम्मीद यही है। यूपी की सीटों को किस तरीके से देखते हैं? सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यूपी में है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीट यूपी में ही जीतेगा। झूठ बोलने के माहिर हैं। 22 के चुनाव में 400 सीट जीत रहे थे, हम शायद साथ नहीं होते तो का हसर होता वो खुद जानते हैं। और जो गठबंधन उनका है, ममता जी कई वोट दिलाएंगी, लालू जी आगे कई वोट दिलाएंगे, केसीआर जी आगे कई वोट दिलाएंगे, कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, अकेले उनको चुनाव लड़ना है तो कहां से लड़ेंगे? तो वो 80 की 80 लोकसभा सीट यूपी की भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीतेगा, और जीत करके देश में 330 प्लस सीट जीत करके तिवारा माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपकी पार्टी कितना सीट उम्मीद कर रही है यूपी लोकसभा? देखिए, यूपी के साथ साथ बिहार में दाव लगाए। तो मतलब बिहार अब सीट का बंटवारा होगा तो तय हो जाएगा। बिहार पर नजर है पूरी आपकी? बिल्कुल, पूरे देश पर नजर है। कुछ कहना चाहेंगे बिहार के लोगों? नहीं, बिहार के लोगों से ये कहूंगा कि आपने बड़े लंबे समय तक नीतीश जी लालू जी को देख लिया, कोई मुड़ करके गरीब कमजोर वंचित सुस्तों को हित के लिए कोई काम करने वाला नहीं है। नारा जो उनका सामाजिक न्याय का नारा है वो झूठ का पुलिंदा है। जातिवाद जनगणना भी पूरे बिहार के लोग इसको
कबूल कर लिए हैं, जान रहे हैं कि ये गलत जातियां कड़ा है, तो ये अपनी लड़ाई खुद लड़ें, ये नीतीश और लालू के चक्कर में न पड़े। एक आखिरी सवाल आपसे, राहुल गांधी